हेलो, दिस इज़ सोनिया वाधवा। यार कैसे हो मेरे बच्चों? मुझे लगता है कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो बेटा, आज मैं आपको आपका जो टेक्स्ट बुक का लेसन 2 है, वेयर इग्नोरेंस इज अ कर्स, इसकी हिंदी में समरी बताने जा रही हूँ। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनना, कहीं समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस करके भी आप सुन सकते हो, लेसन को अच्छे से समझ लेना। वेयर इग्नोरेंस इज अ कर्स का मीनिंग है बेटा, जहाँ अज्ञानता जो है वो अभिशाप बन जाती है। ये जो कहानी है पुराने दिनों की है। एक छोटा सा गांव है बेटा जापान में, जिसका नाम बोकुस्की है। और ये जो गांव है बेटा, ये आबादी वाले इलाके से कुछ दूर है। जो यहाँ के गांव के लोग हैं बेटा, वो बहुत सिंपल हैं, इनोसेंट हैं। इनोसेंट हैं मतलब भोले भाले हैं। एजुकेशन और मॉडर्निटी जो है वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची है, यानी शिक्षा और आधुनिकता। ठीक है बेटा, वहाँ के जो लोग हैं वो खुशी खुशी रहते हैं, अपनी इनोसेंट लाइफ को जीते हैं। एक दिन वहाँ पे चाइनीज सेलर आता है बेटा उस गांव में, और वो एक पेड़ के नीचे एक शीशा छोड़ देता है। और वहाँ वो अपना एक पेड़ के नीचे वो दिन बिताता है, जो स्कॉर्चिंग डे है। स्कॉर्चिंग डे का मतलब होता है जो वेरी हॉट डे। कोई भी इससे पहले किसी ने भी वहाँ पर उस शीशे को नहीं देखा था, यानी ऐसा शीशा नहीं देखा था जिसमें कि शक्ल दिखाई देती हो। अ यंग फार्मर, एक वहाँ से यंग फार्मर निकलता है जिसका नाम मिक्की होता है। वो उस शीशे को उठा लेता है और वापस अपने खेत में आ जाता है। उसने जैसे ही शीशे में अपनी शक्ल देखी, उसकी वो बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि ये ज़रूर मेरे मरे हुए पिताजी की तस्वीर है। यद्यपि वो अब नहीं हैं, फिर भी वो मुझे अभी तक बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस पिक्चर को यहाँ मेरे लिए रखा है पेड़ के नीचे, और मैं इसे अब हमेशा अपने साथ रखूँगा। मिक्की ने यहाँ तक कि बेटा अपने पिता की फ़ोटो के बारे में अपनी वाइफ को भी नहीं बताया था, लेकिन हर सुबह और शाम को वो उन्हें देखता मिरर में और उन्हें प्यार करता, उसे वापस एक बॉक्स में रख देता और चुपचाप अपनी वाइफ से देख कर प्यार करके वापस रख देता। एक दिन उसकी वाइफ ने देख लिया कि वो चुपचाप उनको प्यार कर रहा था, उनकी फ़ोटो को। तो शी ग्रू सस्पिशियस, उसे शक हुआ, और अपने हस्बैंड की एब्सेंस में, यानी जब उसका हस्बैंड नहीं था, मिक्की वहाँ नहीं था, तो उसने ये राज जानने के लिए बॉक्स को खोला। उसे अब बहुत डर था। उसने देखा, क्योंकि बेटा वो मिरर था, तो मिरर में जो भी मिरर में देखता है उसको उसकी फ़ोटो दिखाई देती है। तो इसलिए जब उसकी वाइफ ने मिरर निकाला, उसे देखा, तो उसे ऑब्वियसली है कि उसे अपनी फ़ोटो दिखाई दी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि सच क्या है। वो ये नहीं जानती थी कि वो अपनी खुद की इमेज को शीशे में देख रही है। सस्पिशन डिस्टॉर्टेड हर जजमेंट, उसका जो अपने उसकी जो सही बात थी, उसका जो न्याय था, उसमें वो जो सस्पिशन था बेटा, सस्पिशन मतलब शक जो था, उसके दिल में घर कर गया। शी बिकेम सैड, अब वो बहुत दुखी हो गई और गुस्सा भी आया उसको। उसने सोचा ये ज़रूर वही औरत है जिसे वो बहुत प्यार करता है और उसे बार बार किस करता है सुबह और शाम, चुपचाप छुप के। जेलसी हो जाती है, जेलसी हो गई अब उसको। उसका दिमाग ये सोचने लगा कि पूरी तरह से उसका अधिकार जो जेलस है उसने ले लिया था, यानी उसके दिल और दिमाग में पूरी तरह से ईर्ष्या भर गई थी। गुस्से में उसने ना तो खाना बनाया और चुपचाप जाकर लेट गई, गुस्सा करके धीरे धीरे चुपचाप सुबकती रही, रोती रही। शाम को मिक्की जब घर वापस आता है, थका हुआ भी होता है और भूखा भी होता है, तो वो देखता है कि उसकी वाइफ कहीं दिख नहीं रही है, उसे मिल नहीं रही है। वो कमरे के अंदर जाता है जहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं रोने की।
अपनी वाइफ को देखकर, रोते हुए देखकर वो पूछता है कि वो क्यों रो रही है। तो वो जवाब देती है और पूछता है कि तुमने आज खाना नहीं बनाया। तो उसकी वाइफ कहती है उसको, वो शीशा दिखाते हुए चिल्लाती है, यू लव दिस अगली वूमन, तुम इस औरत को प्यार करते हो, इसे हक करते हो, गले लगाते हो, किस करते हो, एंड ओनली प्रिटेंड टू लव मी, और केवल मुझे बहाना करते हो प्यार करने का, दिखावा करते हो। मैं तुम्हें कोई खाना नहीं दूंगी, तुम झूठे हो, तुम विश्वास करने लायक नहीं हो, तुम गलत सोच रही हो माय डियर, मिक्की ने कहा। दिस इज़ नॉट द पिक्चर ऑफ एनी वूमन, ये किसी औरत की पिक्चर नहीं है, बल्कि ये मेरे मरे हुए पिताजी की फ़ोटो है, उन्होंने मुझे भेजी है कुछ दिन पहले ही। झूठ मत बोलो, मुझे मूर्ख मत बनाओ, उसकी वाइफ ने उसको चिल्लाते हुए कहा। ये पिक्चर एक औरत की है जिसकी तुम पूजा करते हो, सुबह भी शाम को भी, जैसे ये तुम्हारे लिए भगवान हो। मैंने तुम्हें देखा है अपनी दोनों आँखों से, आई हैव सीन यू ओपनिंग द बॉक्स, मैंने तुम्हें इस बॉक्स को चुपचाप खोलते हुए देखा है, और इसे प्यार करते हुए देखा है, इस बुरी औरत को प्यार करते हुए देखा है। यू कैन डिसीव मी नो मोर, अब तुम मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो और धोखा नहीं दे सकते हो। उसी समय गांव में एक पुजारी वहां से गुजरा। इस लड़ाई झगड़े की आवाज़ों को सुनकर वो उस घर में गया और उनसे कहा, क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो मेरे बच्चों, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। मिक्की ने उसे डिटेल में सारी बात बताई, जो कुछ भी घटा था, जो कुछ भी हुआ था, जबकि उसकी पत्नी जो है वो अभी तक रो ही रही थी और अपने हस्बैंड को अब्यूजिंग कर रही थी, यानी कोस रही थी, गालियाँ दे रही थी। उस पुजारी ने उस शीशे को, मिरर को अपने हाथों में लिया और उसमें देखा। उसने कहा, उसने जब देखा कि उसने खुद का चेहरा देखा, मुस्कुराया और कहा, मिक्की बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग, तुम दोनों गलत हो, नीदर द पिक्चर ऑफ योर डिसीज्ड फादर, ना तो तुम्हारे मरे हुए पिताजी की फ़ोटो है इसमें, ना ही किसी औरत की, यहाँ देखो, ये पिक्चर एक बूढ़े प्रिस्ट पुजारी की है, आई एम टेकिंग इट विद मी, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, क्योंकि यही है मिरर, तुम्हारी लड़ाई झगड़े का मेन कारण है। मिक्की की वाइफ अब खुश थी, शांत हो गई और उसने मुस्कुराया, खाना पकाया, दोनों ने मिलकर, मिक्की ने और उसके वाइफ ने मिलकर प्रीस्ट के सामने झुके और उन्हें धन्यवाद दिया, प्रीस्ट ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मिरर के साथ चला गया। दस ही ब्रॉड बैक हारमोनी, तब उनके घर में खुशियां वापस आ गईं, वो दोनों यंग कपल जो थे मिलजुल कर रहने लग गए। बट द सेम प्रीस्ट टुक फुल एडवांटेज ऑफ द मिरर, मीन्स वही जो प्रीस्ट उनसे अपना मिरर, उनसे उनका मिरर लेकर चला गया था, उसने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो गांव से गांव गया, लोगों को, जो भोले भाले लोग हैं, गांव वाले हैं, उनको उसने अपनी डिवाइन पावर कह के वो शीशा दिखाना शुरू किया और उनको इन्फॉर्म किया कि वो ला सकता है उनके डैड के थैन के, यानी उनके रिश्तेदारों को बैक ला सकता है, वापस ला सकता है। इस तरीके से ही स्विंडल द इनोसेंट पीपल, वो भोले भाले लोगों को ठगता रहा। उसकी ये बात, उसकी फेम स्प्रेड, फैल गई बेटा वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह। मोर एंड मोर पीपल बिकेम हिज फॉलोवर्स, बहुत ज़्यादा लोग उसके फॉलोवर्स बन गए, उसके अनुयायी बन गए, चेले बन गए। किसी भी व्यक्ति में ये हिम्मत नहीं थी कि वो उसके इस चैलेंज को मना कर सके। बहुत जल्दी ही वो प्रीस्ट जो है एक बहुत अमीर आदमी बन गया उस गांव का, और एक पर्टिकुलर वीमेन बिकेम द प्रे ऑफ हिज फॉल्स, और एक औरत जो है वो उसके झूठ का
शिकार बन गई, सो कॉल्ड मिरेकल, जिसे वो जादू कहता था। उसकी जो फेम है बेटा वो फैल गई थी फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक। एक दिन उसने अपनी रानी को वो शीशा दिखाया, उसमें उसने इमेज देखी अपने डिसीज्ड मदर की, यानी अपनी मरी हुई माँ की। रानी ने जब उसमें अपनी माँ की तस्वीर देखी, माँ की सुंदरता देखी, जो कि प्रीस्ट ने उसको, उसने जो प्रीस्ट को वादा किया था कि वो उसको उसकी माँ की तस्वीर दिखाएगा, उसने दिखा दी। क्वीन जो है उसने अपनी खुद की जो रिफ्लेक्शन देखी थी वो उसी को अपनी माँ समझ रही थी, एंड फॉल्सली बिलीव्ड दैट इट वॉज़ हर मदर्स इमेज, और वो भी मान गई थी कि उसकी माँ की इमेज है, तस्वीर है। और उसने सोचा कि उसकी माँ जो है वो जब यंग थी, यूथ थी, तब कितनी ज़्यादा सुंदर थी। उसने रिकमांड किया, यानी उसने उस प्रीस्ट के लिए राजा से कहा, द किंग अपॉइंटेड हिम एज द चीफ रॉयल प्रीस्ट। तो जब रानी ने रिकमेंड किया बेटा, तो राजा जो है वो वहाँ पर चीफ रॉयल प्रीस्ट बन गया, उसको एक पोस्ट मिल गई राज दरबार में, एंड गेव हिम अ प्लेस टू लिव इन द पैलेस, और उसे जगह भी मिली महल में रहने के लिए। अब वो रॉयल प्रीस्ट था और उसकी वाइफ बहुत खुशी खुशी रहने लगे, लग्जीरियस लाइफ जीने लगे। कितनी अजीब बात है ना बच्चे, शीशे और अज्ञानता ने मिलकर इनका एक बैलेंस बनाया, और जिसकी वजह से ये एक कॉन्स्पिरेसी हो गई, यहाँ पर एक साजिश रची गई। और एक जगह ऐसी भी है कि किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें खुशियों की बौछार कर दी गई। इट इज़ राइटली सेड, ये बिल्कुल सही कहा गया है कि अजीब आदमी के कई तरीके होते हैं और भगवान के भी अलग अलग तरीके होते हैं। थैंक यू बेटा, आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे होम। टिल देन बाय बाय।